करने के लिए सबसे पहले हमें एक ऐसा कॉर्नर चूज करना है जिसे हम अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे पर्दे लगा कर किया है। आप भी ऐसे वाइब्रेंट कलर के पर्दे ही लगाना, ये आपके डेकोरेशन में एक अलग ही जान फूंक देंगे। और उसके बाद अगर आपके घर में कोई टेबल या ऐसी रैक है तो आप उसे ऐसे कॉर्नर में प्लेस कर दीजिए और उसके ऊपर कोई भी सुंदर सा होम डेकोर का आइटम रख दीजिए। तो अब बारी आती है मेन डेकोरेशन की। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैं सिल्वर और गोल्डन लड़ियां सजा रही हूँ। ये तो आपने बर्थडे पार्टीज में बहुत बार देखा होगा, पर ये ना मेरा लास्ट ईयर का बच गया था पार्टी का, तो मैंने सोचा क्यों ना इस लॉकडाउन में यूटिलाइज कर लूँ इन्हें। बस आप ऐसे पर्दों के साथ में सेलो टेप की हेल्प से पेस्ट कर दो। अब बर्थडे पार्टी और हैप्पी बर्थडे का टैग ना बनाओ तो ये तो पार्टी की जान ही अधूरी रहेगी, तो चलो वो भी बना लेते हैं। इसके लिए बस आपको चाहिए ग्लिटर शीट्स। बस अब ग्लिटर शीट को इस शेप में कट करो और डिफरेंट कलर के शीट से अल्फाबेट कट कर लो और बस दोनों को साथ में पेस्ट कर दो। फिर सारे अल्फाबेट्स को रिबन में अटैच करो और पर्दे में कुछ इस तरह से पिनअप कर दो। मार्केट में आपको ऐसे टैग्स तो 50 से 100 रुपए तक मिल जाएंगे, पर और देखो हमने तो इसे सिर्फ 20 रुपए में बना दिया और था भी तो कितना इजी, है ना। बर्थडे और बलून ना हो तो किस बात का डेकोरेशन भाई। तो चलो फिर बलून्स भी डेकोरेट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए बहुत सारे डिफरेंट कलर्स के बलून। सारे बलून को एक एक करके फुलाकर धागे में अटैच कर लो। और देखो यहाँ तो हमारे पास ट्राइपॉड स्टैंड था तो हम उसका यूटिलाइज कर रहे हैं। आप चाहो तो कोई भी स्टैंड लगा सकते हो और ऊपर की तरफ धागा लगा दो। बस धागे में सारे बलून को अटैच करके ऊपर की तरफ हैंग कर दो, बिल्कुल ऐसे। डेकोरेशन तो हो गई, पर अब खाने पीने का भी तो ध्यान रखना है ना, पापी पेट का सवाल है भाई। तो इसके लिए सेंटर में एक बड़ी सी टेबल लगा दो और उस पे एक वाइब्रेंट कलर का क्लॉथ डाल दो ताकि एक सुंदर सी वाइब आए पूरे डेकोरेशन में। अब जब डेकोरेशन कंप्लीट हो गई तो हमने देखा रैक तो पीछे छुपी गई थी। अब डेकोरेशन के टाइम पे ऐसी छोटी मोटी चीजें तो होती ही रहती है ना, आप अपने हिसाब से इन्हें एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कि हम इस रैक को वापस से आगे ले आए और देखो ये कितना सुंदर और विजिबल लग रहा है सामने की तरफ। और दूसरी तरफ एक और छोटी सी टेबल कैबिनेट है जिसपे की पुराने जमाने की टीवी रखी हुई थी, तो उसको हटा के हमने सोचा इसे भी डेकोरेट कर देते हैं। तो उसपे भी हमने सेम कलर का फैब्रिक लगाया और छोटे मोटे होम डेकोर का सामान डेकोरेट कर दिया। और ये पिनव्हील बनाना तो हमने आपको पहले बहुत बार सिखाया है, बस सेम स्टेप्स फॉलो करें और डिफरेंट कलर्स के पिनव्हील बना लें। तो देखो अगर आपका बर्थडे भी लॉकडाउन में आता है ना तो आपको डेकोरेशन की टेंशन लेने की अब जरूरत ही नहीं है। ये सारे डेकोरेशन बहुत ही ज्यादा क्विक और इजी थे और हाँ बजट फ्रेंडली भी। को
पड़ते। बस अगर आपने बर्थडे सीरीज पार्ट वन वीडियो देखा है ना, तो आपको पता होगा कि ये सारा खाना हमने कैसे डेकोरेट किया है। मुझे तो देख के ही भूख लग रहा है। आप लोग भी सारे डेकोर ट्राई करो और फूड डेकोर भी ट्राई करना, और हमें बताना कि आपको कैसा लगा। ये थे हमारे बर्थडे DIY होम डेकोर आइडियाज। तो इनमें से आपका फेवरेट DIY कौन सा था वो हमें कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।